साहबा तहकीक करना चाहते तो तहकीक कर। ये दिन जो इतना अजीम था, मनाने वाले पे रब राजी, जहन्नम से आजादी, इतना अहम दिन, उसकी साहबा क्या करते? तहकीक करते। चलो यार एक और जुमला कहते, आगे से अबू तालिब कहते मैंने तो पता कोई नहीं, हजरत सफिया कहती मुझे भी पता कोई नहीं, उम्मे ऐमन कहती मुझे भी पता कोई नहीं, हजरत हलीमा सादिया कहती मैंने भी पता। चलो यार आगे से वो लाइल्मी का इजहार कर देते, लेकिन किसी हवाले से ये तो साबित होता भाई सहाबा पुछण दी कोशिश, ये तो साबित हो, तजस्सुस में है, फिक्र में है, कोशिश की तीने, किसी सहाबी ने कोशिश नहीं की, नहीं की। वो दिन मख्फी रह गए, वो दिन मख्फी रह गए, अल्लाह ने उस दिन को मख्फी रख दिया। 2, 8, 9, 12, 17 मेरे नबी के जिंदगी के आखिरी लम्हात है। मेरे आका ने एक दुआ मांगी अपने रब से, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वसना, मौला मेरी कब्र को बुत ना बनाना। क्या ना बनाना? किसको? मालूम होता कदी कदी कब्र भी बुत तो, तभी तो मेरे आका कह मौला मेरी कब्र को बुत ना बनाना। या रसूला कब्र भी बुत बनती है? फरमाया हां, कि कब के यो बद, जिस कब्र की पूजा पाठ शुरू हो जाए वो कब्र क्या होती है? किसने कहा? बंदियाल भी कह रहा है, मैं कह रहा हूं, कायनात का सरदार कह रहा, अल्लाहुम्मा ला तजाल कब्री वसाना, मौला मेरी कब्र को बुत ना बनाना जिसकी पूजा पाठ की जाए। फिर मेरे आका ने उम्मत को खिताब किया, ला तजालू कब्री ईदा, मेरी कब्र को मेला गाहा। नबी पाक देख रहे थे यहूदियों ईसाइयों को किस तरह उन्होंने शिर्क किया, फिक्रमंद हैं, मौला मेरी कब्र को मेला गाह ना बनाना, लोग उसकी पूजा करें, चूमे, गिलाफ डालें, फूल डालें, पुख्ता बनाए, मौला मेरी कब्र को पूजा पाठ से बचाना। बोलो, अल्लाह ने मेरे नबी की दुआ कबूल की या नहीं की? कब्र महफूज हुई कि नहीं हुई? कैसे महफूज? सहाबा तो जाते थे, क्यों जी? हजरत अबू बकर हर वक्त जा सकते थे, उन्होंने धी का घर सी, अब्दुल रहमान जा सकते थे, उनकी बहन का घर था, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर जा सकते थे, उनकी खाला का घर था, वो तो महरम थी उनके लिए, जाते भी होंगे, लेकिन खुदा गवाह बंदयाल भी कच्ची बात कहने का आदी नहीं, कल आप मेरे गरेबान को पकड़े, बंदयाल भी कहता है मेरे आका की कब्र मुनव्वर को सजदा करना, मेरे आका की कब्र मुनव्वर को चूमना, मेरे आका की कब्र मुनव्वर के सामने झुकना, ये तो बड़ी दूर की बात है, किसी सहाबी ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को हाथ तक भी कभी नहीं लगाया, हाथ भी कभी नहीं लगाया। वो जानते थे हमारे पैगंबर ने कब्र परस्ती नहीं रब परस्ती सिखाई। क्यों जी? हसनैन करीमैन
कहते हमने तो अपने नाना का उरस करवाना है। हजरत अली कहते मेरे तो सुसर है, मैं ते मुजाविर बनना, बना कोई सहाबी मुजाविर। बोलो यार बोलो, वहां बैठ गया हो, किसी ने फूल डाला हो, किसी ने चादर डाली हो, किसी ने तवाफ किया हो, कोई मैं चैलेंज करने का आदि नहीं हूं। ताली और तहदी तकबर ये मेरी आदत नहीं, तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। खुदा गवाह है ये कुरान मेरे सामने है, किसी सहाबी ने ये अमल नहीं किया, नहीं किया, हाथ नहीं लगाया, बोसा नहीं दिया, सजदा नहीं किया, तवाफ नहीं किया, नजर नहीं चढ़ाई, मन्नत नहीं दी, चूमा नहीं, उर्स नहीं लगाया, अल्लाह ने महफूज किया। और आज आज बाहर जालियां हैं, जालियों के अंदर एक दीवार है, नूरुद्दीन जंगी शीशा पिलाई, उसका कोई रोशनदान नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, अंदर हजरत आशा का हुजरा है, उसके अंदर कब्रे मुनव्वर है। कहां जालियों, कहां कब्रे मुनव्वर, नूरुद्दीन जंगी की शीशा पिलाई दीवार वो कमरा, कोई मेरे नबी की कब्रे मुनव्वर तक नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। रब ने महफूज किया मेरे नबी की कब्रे मुनव्वर को। ये जालियों, अब तो जालियों से 4 फुट आगे उन्होंने दीवार खड़ी कर दी। चलो पहले तो चोरी छुपे आगे जाके कर लेते थे, अब वो भी खत्म, उन्हें दीवार खड़ी कर दी है। छुरते तो पहले भी खड़े होते। मैं जब उम्र में गया तो मेरे साथ यहां के एक पीर साहब थे, मैं उन्हें जानता हूं जाती तौर पे, मुरीद भी 3-4 उनके साथ थे, और मदीने वो पहुंचे, हम भी मदीने पहुंच गए। हम रोजे रसूल पे सलाम पढ़ने के लिए गए, देखा तो पीर साहब भी खड़े, पीर साहब आगे हैं, मुरीद पीछे हैं, ये गड्डी दे डब्बे नहीं होते। पीर साहब झोली यूं करके ऐसा सी आया शुरता, यल्ला ये झोली फैलानी है तो उसके सामने, जिसके सामने मोहम्मद अरबी फैलाया करता सल्लल्लाहो। ये कह रहे ना मेरी झोली भर दो, मेरी झोली, झोलियां भरने वाला कौन है? अल्लाह है, अल्लाह झोलियां भरने वाला है। मैं वो एक लतीफे के तौर पे बात सुनाता हूं, मेरे वाले साहब सुनाया करते थे। मैं हज करने गया ना तो बंदियाल का एक मलक भी मेरे साथ, उसका अकीदा दूसरा था, मेरे साथ वो भी हज पे चला गया, तो हर रोज मुझे कहता है उस्ताद जी एडा सफर करके आया, किथे बंदियाल ते किथे मदीना, ते जे जालियां ना चुमिए गल ते कोई ना। मैं उसे समझाता ये जायज नहीं है, ये कोई मोहब्बत की दलील भी नहीं है। एक दिन सुबह की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो वो मुझे कहता है आप मकान पे चले जाएं, आज मैं जालियां चुम किया। वाले साहब कहते हैं मैंने शुरते को अरबी में कहा भाई आंधा पे ही जरा ख्याल करें। मैं मकान पे चला गया, थोड़ी देर के बाद आप थक तो नहीं गए यार, थोड़ी देर के बाद आया, चेहरा उतरा हुआ है, अफसरदा है, परेशान है। मैं आख्या मलक साहब की होया, आखे इत्थे भी सारे तेरे मजहब वाले रहंदे ने, इत्थे भी सारे तेरे मजहब वाले, अल्लाह ने कैसा महफूज किया मेरे नबी की कब्रे मुनव्वर को। कोई कब्रे मुनव्वर पे पहुंच नहीं सकता,
कोई मेरे नबी की कब्र मुनव्वर तक नहीं जा सकता, महफूज कर दिया तकरीर के अव्वल हिस्से को और तकरीर के आखिरी हिस्से को बंदयालवी जोड़ना चाहता है। मेरे रब ने मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को महफूज करके शिर्क से महफूज कर दिया और विलादत की तारीख को मख्फी रखकर मेरे रब ने मेरे नबी की विलादत की तारीख को बिदअत से महफूज कर दिया, कब्र को शिर्क से पाक कर दिया। कब्र को शिर्क से महफूज कर दिया और तारीख विलादत को बिदअत से क्या कर दिया, महफूज कर दिया। तुम 12 रबी उल अव्वल को करते रहते हो, कोई हतमी है? मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी नहीं मानते, उन्होंने फतावा रिजविया में 8 रबी उल अव्वल लिखी है। यानी आपके आलिम है, आपके आलिम है, उन्होंने 8 रबी उल अव्वल लिखी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने 2 रबी उल अव्वल का कौल किया। उलमा में इख्तिलाफ है, आप 12 को जो करते रहे, 12 तो सबसे कमजोर तरीन कौल है। रब ने मेरे नबी की तारीख विलादत को बिदअत से क्या कर दिया, महफूज। जितनी बिदात होती है वो महफूज हो गया वो दिन। दीन के नाम पर